अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कवार के फेंक दिया, उसके बाद अचानक वो ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया। जब ये अति झंडा देखे तो उसको चिढ़ बना, इसमें देखिए कोई स्टूडेंट लड़का नहीं था, हम कौन रहे कि जान बुझ के जो है सब बदमाशी कर रहा है, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है, छात्र जमकर बवाल काट रहे हैं। नवादा से बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। बता दें कि जो बीजेपी के विधायक है अरुणा देवी, उन पर छात्रों ने हमला बोल दिया, उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक किसी काम से जा रही थी और रेलवे स्टेशन पर उस समय छात्र बवाल कर रहे थे, तभी उनकी नजर बीजेपी विधायक की गाड़ी पर पड़ी, उन पर छात्रों ने हमला बोल दिया और उनके जो ड्राइवर है उन्हें भी चोटें आई है। पहले सुनिए बीजेपी विधायक का क्या कुछ कहना है। और तीन नंबर जो है रेलवे गुमटी, वहाँ मेरी गाड़ी आई और हमको पता नहीं था कि क्या चीज़ का ये भीड़ है और काहे के लिए इसे कर रहा है। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कवार के फेंक दिया, उसके बाद अचानक वो ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया, बोली चोर दिया। क्या लगता है कि आपको बीजेपी देख के इस तरह का हमला किया गया? आपने बीजेपी का अति झंडा देखे तो उसको चिढ़ बना। कहाँ पर हुआ हमला? तीन नंबर जो है ना गुमटी, रेलवे गुमटी, वही इसी के। क्या लगता है कौन लोग इस तरह का हमला किए हैं? इसमें देखिए कोई स्टूडेंट लड़का नहीं था, हम कौन रहे कि जान बुझ के जो है सब बदमाशी कर रहा है, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, सब जो है एक कहता है ना बदमाश टाइप का, जो कहता है कि बाप माई के बदमाशी बहकल टाइप का था, और वो लड़का जो है इस तरह से मांग करेगा तो थोड़ा कुछ मिलेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, तो आपने सुना बीजेपी विधायक अरुणा देवी को, उनका कहना है कि जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे वो छात्र नहीं उपद्रवी थे और इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, वो छात्रों पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि छात्र बीजेपी के जिला कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिए। नवादा से जो बीजेपी के जिला कार्यालय है उसमें भी छात्रों ने तोड़फोड़ की, उसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय को आग के हवाले कर दिया, कई कुर्सियां भी जल गई। इसके साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय धू धू कर जलने लगा। अग्निपथ योजना का विरोध अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। नवादा में वासलीगंज की भाजपा विधायक अरुणा देवी पर छात्रों ने हमला बोल दिया, यह हमले में विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, बड़ी मशक्कत के बाद वो जान बचाकर वहां से भागी। यह घटना रेलवे क्रॉसिंग की बताई जा रही है। भाजपा विधायक अरुणा देवी जन समस्या को लेकर नवादा मुख्यालय जा रही थी, इसी दौरान सेना भर्ती में किए गए बदलाव को लेकर छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे थे और गुस्साए छात्रों ने बीजेपी विधायक पर अपना भड़ास निकाल दिया और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही साथ नवादा के जो जिला कार्यालय है बीजेपी का उसमें भी छात्रों ने तोड़फोड़ की, इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने कार्यालय में रखे फर्नीचर और अन्य सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और पूरा कार्यालय आग के हवाले कर दिया। बीजेपी कार्यालय को आग लगाने के बाद छात्र मौके से फरार हो गए। आगलगी के कारण कार्यालय में रखे गए सभी कागजात जलकर राख हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचकर हालात का जायजा लिए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी बुलाई गई और इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सेना में बहाली होगी वो 4 सालों के लिए की जाएगी। इसको लेकर छात्र काफी
आक्रोशित है और छात्रों ने बीजेपी विधायक को अपना शिकार बना लिया और उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही साथ रेलवे ट्रैक समेत तमाम जगहों पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।